जी हाँ, सावधान हो जाइए क्योंकि मध्य रेल की विज्ञप्ति के अनुसार, जी हाँ, मुंबई आरपीएफ, जी हाँ, मुंबई की आरपीएफ जो है उसने 2 करोड़ मूल्य के साथ एक नाइजीरियन को पकड़ा। जी हाँ, ये घटना है 7 तारीख की। एक नाइजीरियन नागरिक जो है वो आरपीएफ हेड कांस्टेबल श्री के एन शेलार और आरपीएफ के अधीन कार्यरत महाराष्ट्र सुरक्षा बल के श्री शिवाजी पवार ने पकड़ा। जी हाँ, जब वो दिनांक 7 जुलाई को 2020 को नई दिल्ली से एर्नाकुलम मंगला एक्सप्रेस से निजले और तलोजा नवी मुंबई के बीच 56 किलोमीटर की दूरी पर एसीपी अलार्म चेन पुलिंग करने के बाद नीचे उतरा। आप सोचिए, उसने चेन पुलिंग की और वो नीचे उतरा। उन्हें आरपीएफ थाना दीवा लाया गया और पूछताछ करके उसने अपना नाम सनी ओचा आई वाई के, जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उल्वे में नाइजीरियन का बहुत ही दबदबा है, यानी बहुत से नाइजीरियन रह रहे हैं जो पर्दे के पीछे भी चले गए हैं इस वक्त। जी हाँ, उसका पासपोर्ट नंबर है A100590012। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका पासपोर्ट नंबर A100590012। वो दिल्ली से पनवेल पीएनआर नंबर 23101865 39 में AC 3 tier टिकट पर यात्रा कर रहा था। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2 करोड़ की ड्रग लेके वो 3 tier में यात्रा कर रहा था, यानी किस तरह से नाइजीरियन अपना दिमाग चलाते हैं। जी हाँ, हमारे देश के खुद के लोग छोड़िए, ये बाहर के देश के लोग आके हमारे देश में ड्रग की पैडलिंग कर रहे हैं, इसके तार जुड़े होंगे बड़े बड़े सरगनाओं से। जी हाँ, उसके बैग की जांच की गई तो उसमें एक संदिग्ध पदार्थ मिला। उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इस बीच मुंबई मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा कमांडेंट मध्य रेल के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, जी हाँ, मुंबई के साथ समन्वय किया और उनकी मदद मांगी। विशेषज्ञों के साथ जांच दल ने आरपीएफ थाना दीवा में जाकर इस पदार्थ की जांच की। जी हाँ, और 2300 किलोग्राम वजन वाले एम्फेटामाइन नामक एक मादक दवा का पता चला। जी हाँ, इसका अनुमानित मूल्य जो है वो 2 करोड़ है। आरोपी और माल जब्त किए गए हैं। मादक पदार्थ को एनसीबी अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत विविध प्रक्रिया अपनाते हुए सौंप दिया। आरपीएफ कर्मियों द्वारा किए गए इस सजगता पूर्वक कार्य की उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना भी की गई है। जी हाँ, तो ये है मध्य रेल की आरपीएफ। जी हाँ, और खास करके मैं उस नाइजीरियन का भी चेहरा आप देख चुके होंगे और आप देखेंगे भी कि किस तरह से वो दिखता है। तो उल्वे कर प्लीज ध्यान दीजिए, नाइजीरियंस बी केयरफुल, नाइजीरियन से सावधान रहिए क्योंकि उल्वे में भी ड्रग्स का बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।